अगले सप्ताह कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा खेसारी लाल यादव जी 7 नंबर पर आ चुके हैं, वहीं पवन सिंह 9 नंबर पे आ चुके हैं पूरे इंडिया में। क्योंकि इस सप्ताह खेसारी लाल यादव जी का जो गाना है आम के स्वाद, ये गाना बहुत ही अच्छा मार्केट में चला है और अच्छा खासा व्यूज गाने पे मिला है। इसी वजह से खेसारी लाल यादव जी आगे निकल गए हैं और YouTube भी एक वीक का यानी एक सप्ताह का टोटल व्यूज काउंट करके रैंकिंग का चार्ट बनाता है। एक सप्ताह में जिसको ज़्यादा व्यूज मिलेगा वो आगे रहता है, चाहे शिल्पी राज हो या पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो। जिसको एक सप्ताह में ज़्यादा व्यूज मिलेगा वो आगे रहेगा। और अगले सप्ताह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में बहुत ही कम का फर्क है। अगर इस सप्ताह पवन सिंह का 2-3 गाना आ जाएगा, अगर अच्छा खासा चलेगा तो पवन सिंह आगे निकल सकते हैं, या तो कोई पुराना गाना अच्छा चल गया तो भी आगे निकल सकते हैं। अगर खेसारी लाल यादव जी को अच्छा खासा व्यूज मिल जाता है तो खेसारी लाल यादव जी आने वाला सप्ताह में भी आगे रहेंगे पवन सिंह से। और अगला सप्ताह देखिए कौन बाजी मारता है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, एकदम कड़ी टक्कर होने वाली है। और आप सभी को क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज मैं सही समय पे न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिले में यानी कैमूर भभुआ जिले में थोड़ा दंगा हो गया है और नेट सेवा बंद कर दिया गया है, इसीलिए सही समय पे न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ। और इस वीडियो को मैं पहले से बना के रखा हूँ, बट इस वीडियो को शाम 8 बजे छोड़ूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।